हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम हमेशा की तरह ही AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड थोड़ी फार अपडेट्स भी है। तो इसलिए ये अपडेट्स भी जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो की, और जानते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के शो पर कौन कौन सी देखने को मिल सकती है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल का डायनामाइट शो AEW के इस साल के रेवोल्यूशन पे पीरियड के पहले का आखिरी डायनामाइट शो होने वाला है, इसलिए पहले ही कल का शो एक काफी बड़ा शो होने वाला है। पर इसके साथ ही AEW कल के शो को एक और काफी बढ़िया तरीके से प्रमोट कर रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के शो पर क्रिस जेरिको एक 1-on-1 मैच के अंदर अटलांटिस जूनियर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है, जहाँ पर हमें सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको को लायन हार्ट पर्सोना इस मैच के अंदर रसल करता हुआ दिखाई देने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज वैसे तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच एकदम रैंडमली इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है। पर यहाँ पर अटलांटिस जूनियर ये CMLL कंपनी के सुपरस्टार है और हम हाल फिलहाल में CMLL कंपनी का AEW के शोज पर काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, इसलिए शायद ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर हो रहा हो। और फिर एक बार यहाँ पर लुचाडोर्स इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होने वाले है, इसीलिए भी जेरिको अपने पुराने पर्सोना यानी कि लॉ एंड हार्ट के अंदर आने वाले है, क्योंकि जेरिको का लॉ एंड हार्ट पर्सोना CMLL कंपनी से काफी इंस्पायर है। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब पहली बार क्रिस जेरिको अटलांटिस जूनियर को फेस करते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। क्योंकि गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जेरिको ने इससे पहले अटलांटिस जूनियर के फादर यानी कि अटलांटिस सीनियर को भी फेस किया है, और वो भी 1990s के अंदर, और आज जेरिको उनके ही बेटे को फेस करने वाले है। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है और हमें इस मैच के अंदर कितनी जबरदस्त हाई फ्लाइंग रेसलिंग देखने को मिलती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जेरिको ही मैच जीतने वाले हैं और वो ये मैच जीतकर AEW कंपनी के अंदर काफी तगड़ी तरीके से अपना कमबैक करने वाले हैं। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर फाइनली विल ऑस्प्रे आते हुए दिखाई देने वाले है। इसलिए गाइस, देखने के लिए मजा आएगा कि जब विल ऑस्प्रे इस वीक के डायनामाइट शो पर आते है तो यहाँ पर आकर ऑस्प्रे क्या करते है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस स्टैटलैंडर एक 1-on-1 मैच के अंदर स्काई ब्लू को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइज, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले विनो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू के बीच में एक मैच हुआ था, जो मैच किस न किस तरीके से ना चाहते हुए भी चीटिंग कर विनो नाइटिंगेल ने जीता था। लेकिन यहाँ पर स्काई ब्लू अपना बदला चाहती थी, लेकिन इस बार उन्हें ये मैच विनो नाइटिंगेल के खिलाफ नहीं बल्कि क्रिस स्टैटलैंडर के खिलाफ मिल चुका है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब स्काई ब्लू क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करती है तो विमेंस डिवीजन से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर कितनी बज क्रिएट कर पाता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर ही ये मैच जीतने वाली है, जिससे देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्काई ब्लू के साथ क्या होता है। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर हैंगमैन पेज आकर अपने रेवोल्यूशन पेपर के स्टेटस पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइज, अगर आप काफी दिनों से हमारे चैनल पर AEW के न्यूज, रूमर और अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया है कि लग रहा है कि हैंगमैन पेज की स्टेटस रेवोल्यूशन पेपरव्यू के लिए अब तक कंफर्म नहीं है और हमें नहीं पता कि हैंगमैन पेज रेवोल्यूशन पेपरव्यू पर परफॉर्म करेंगे या नहीं, और इसी चीज को हैंगमैन इस वीक एड्रेस करने वाले है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हैंगमैन पेज क्या कहते हैं, वो ट्रिपल जेट मैच का पार्ट होने वाले है या नहीं। पर मैं तो चाहता हूँ कि हैंगमैन पेज इस मैच का पार्ट हो। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर एडी किंगस्टन और FTR एक सिक्स मैन टैग टीम मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी सिंपल सी है, क्योंकि एक तरफ क्लूडी और जॉन मोकली मिलकर FTR के पीछे जा रहे थे और दूसरी तरफ एडी किंगस्टन और ब्रायन के बीच में राइवलरी चल रही थी। और ऐसे में जब एक टाइम के लिए एडी ने ब्रायन पर अटैक कर दिया, तो एज अ टीममेट क्लूडियो भी ब्रायन को बचाने के लिए आ गए, और क्लूडियो राइवलरी FTR के साथ चल रही थी, तो इस तरीके से इस राइवलरी के अंदर FTR भी आए। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर FTR और एडी किंगस्टन एक साथ मिलकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस, देखने के लिए मजा आएगा कि जब इस वीक के डायनामाइट शो पर ये मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और हमें इस मैच के अंदर कितना शानदार एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली यहां पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये मैच जीतेगा,
जिसे को एक मोमेंटम के साथ आगे रेवोल्यूशन पेपरव्यू की तरफ बढ़ सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद जो अगली और आखिरी बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर स्टिंग और डार्बी एलन आखिरी बार आते हुए दिखाई देने वाले है, क्योंकि यहाँ पर AEW इस डायनामाइट शो को इस तरीके से भी एडवर्टाइज कर रही है कि स्टिंग का आखिरी डायनामाइट शो होने वाला है। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर क्या करते है और क्या वो इस वीक एक मैच देते है या फिर एक सेगमेंट का पार्ट होते है। पर इतनी ही चीजें है जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ होगा तो वो क्या है ये मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल पर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि कल के शो के लिए आप कितने एक्साइटेड है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छोटे मोटे अपडेट्स की। और सबसे पहले जरा बात करते हैं सैमी गवेरा की, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में सैमी गवेरा कोलिजन शो पर एक काफी शानदार नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच का पार्ट बने थे, जहां पर सैमी गवेरा और पावर हाउस ऑफ्स ने अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। लेकिन गाइस ऐसे में ही इस मैच के आखिर में पावर हाउस ऑफ से मैच जीत तो गए, लेकिन इस मैच के बाद सैमी गवेरा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ फोटो शेयर किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये मैच रसल करने के बाद सैमी गवेरा की हालत कैसी है और सैमी गवेरा के पीठ पर कितने खतरनाक निशान पड़े है। जो एक तस्वीर सैमी गवेरा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की है, जो मुझे लगा कि आपको दिखा देनी चाहिए, जिससे आपको भी समझ आएगा कि रेसलिंग कोई आसान स्पोर्ट नहीं होता। पर मुझे लगता है कि सैमी गवेरा इन छोटी मोटी इंजुरी से काफी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं इसे सुपरस्टार की, जिसे कि शायद AEW कंपनी के अंदर आने के लिए बैन कर दिया गया है। और गाइज मैंने आपको अभी अभी स्टिंग के बारे में बात करते हुए बताया है कि मुझे लग रहा है कि स्टिंग की रिटायरमेंट मैच के अंदर हमें टोनी खान स्टिंग को काफी बड़े बड़े सरप्राइजेस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक तरीके से मानो कि हमें टोनी खान स्टिंग के काफी सारे दोस्तों को उनके रिटायरमेंट मैच के लिए बुलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज ऐसे में ही स्टिंग के काफी अच्छे दोस्त को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि AEW ने उन्हें भी अपने कंपनी के अंदर स्टिंग के फाइनल मैच के लिए एक अपीयरेंस देने के लिए एक इन्विटेशन भेजा था, लेकिन उसने इन्विटेशन खारिज कर दिया है। और गाइज बताया जा रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि हाल फिलहाल के WWE के साथ काम करने वाले सुपरस्टार यानी कि केविन नैश है, जो मानो एज ए रेसलर WWE के लिए काम नहीं करते पर लगता है कि शायद वो WWE के साथ लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट पर WWE के शोज को प्रमोट करने का काम करते हैं। और ऐसे में ही केविन नैश ने अपने पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए बताया कि केविन नैश को स्टिंग की रिटायरमेंट मैच के लिए प्रेजेंट होने का एक इन्विटेशन आया था, लेकिन देखा जाए तो केविन नैश अपने WWE के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टिंग की रिटायरमेंट मैच पर नहीं आ पाएंगे। इसलिए केविन नैश ने स्टिंग के रिटायरमेंट मैच पर अपीयर होने के लिए टोटली मना कर दिया है, जो बातें केविन नैश ने हाल फिलहाल में अपने पॉडकास्ट के अंदर रिवील की। और यहाँ पर केविन नैश ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर केविन नैश ने ट्रिपल एच से पूछा तो ट्रिपल एच केविन नैश को जाने के लिए रोकेंगे, पर ट्रिपल एच केविन नैश के काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए केविन नैश खुद से ही कुछ ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिससे कि ट्रिपल एच भी दुखी हो। और इसे केविन नैश किस तरीके से ये नहीं कह रहे कि स्टिंग उनके अच्छे दोस्त नहीं है, स्टिंग भी उनके अच्छे खासे दोस्त है पर वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, इसलिए केविन नैश स्टिंग के फाइनल मैच पर नहीं आ पाएंगे। जो बातें केविन नैश ने हाल फिलहाल में अपने पॉडकास्ट पर कही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि अगर केविन नैश स्टिंग को अपना अच्छा खासा दोस्त मानते तो उनके फाइनल मैच के अंदर जरूर आते, और मुझे लगता है कि ट्रिपल एच भी इतने हार्श नहीं होंगे कि वो केविन नैश को स्टिंग के रिटायरमेंट मैच पर जाने से रोके, क्योंकि ट्रिपल एच भी बिजनेस के साथ साथ फीलिंग्स को भी समझते है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर केविन नैश खुद से ही स्टिंग के रिटायरमेंट मैच पर नहीं आना चाहते, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे अब भी लग रहा है कि हमें स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के अंदर काफी सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स और स्टिंग के काफी अच्छे दोस्त अपनी अपीयरेंस देते दिखाई दे सकते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?